यूपी चुनाव में उम्मीदवारों के नाम और आगे की रणनीति को लेकर बीजेपी ने अहम बैठक बुलाई है। थोड़ी ही देर में लखनऊ में बीजेपी की ये बैठक शुरू होने वाली है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद अब सियासी पार्टियों ने रणनीति तेज कर दी है। हर पार्टी जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर देना चाहती है। लखनऊ में थोड़ी ही देर में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी ने आज लखनऊ में 24 सदस्यीय चुनाव समिति की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के साथ साथ पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम तय किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। लखनऊ में होने वाली बैठक के बाद अगले 3 दिनों तक टिकटों के बंटवारों और चुनावी रणनीति पर दिल्ली में मंथन किया जाएगा। खबर ये भी है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पहले और दूसरे चरण के टिकटों पर फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। यूपी में 10 फरवरी से वोट डाले जाएंगे। 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी के अलावा 3 और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को तय हो जाएगा कि यूपी की सत्ता किस पार्टी के हिस्से आएगी। देश के ज्यादातर राज्यों में जनाधार खोती जा रही कांग्रेस को यूपी चुनाव से पहले भी झटके लगने शुरू हो गए हैं। पश्चिमी यूपी से आज कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यूपी में चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सहारनपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। सहारनपुर में इमरान मसूद ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की और अपनी पुरानी पार्टी में लौट जाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस छोड़ने को लेकर इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में कांग्रेस बेहद कमजोर है, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रही है। उस परिस्थितियों के मद्देनजर अखिलेश जी से टाइम लेकर के, समय लेकर के मिले और अखिलेश जी को समर्थन करने का काम किया। इमरान मसूद ने इस मौके पर राहुल और प्रियंका गांधी को थैंक्स भी कहा। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन अभी के राजनीतिक हालात मजबूर कर रहे हैं कि अगर हमें यूपी को विकास की राह पर ले जाना है तो हमें समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। मैं सिद्धांत की बात करता हूँ, सिद्धांतिक तौर के ऊपर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर चाहता हूँ कि अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर एक नौजवानों की सरकार, किसानों की सरकार, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली सरकार, व्यापारियों को सुरक्षा देने वाली सरकार, वो सरकार जो प्रदेश का विकास कर सके, विकास उन्मुख सरकार का गठन हो। इमरान मसूद के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो पूर्व सांसद काजी रशीद मसूद के भतीजे हैं। 2007 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने और